नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज 5 अगस्त की डेट है। 5 अगस्त को कुछ खास चीज़ें देश के अंदर हो चुकी हैं। पहले जैसे कि आपको मालूम होगा धारा 370 वो डेट 5 अगस्त की ही थी। उसके बाद भूमि पूजन हुई थी राम मंदिर के लिए, वो भी 5 अगस्त की ही डेट थी। ऐसे ही दोस्तों आज 5 अगस्त की डेट है और मोदी सरकार आज पार्लियामेंट के अंदर वक्फ बोर्ड का जो एक्ट है उसमें कुछ अमेंडमेंट ला सकती है। जी हाँ दोस्तों, सोचिए कितनी बड़ी चीज़ है। वक्फ बोर्ड क्या है, आइए आपको समझाते हैं कि वक्फ बोर्ड आखिर है क्या। दरअसल दोस्तों वक्फ बोर्ड वो है जिसमें कुछ मुस्लिम लोग अपने पास कुछ जो भी संपत्ति है वो किसी रिलीजियस पर्पस के लिए अपने वक्फ बोर्ड को दे देते हैं और वो उनके भलाई के काम में बाद में आती है, उससे जो भी इनकम वगैरह होती है, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई हो गई, मदरसे चलाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें, और जैसे कि इनका कब्रिस्तान वगैरह होता है उसकी मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें वक्फ बोर्ड उस संपत्ति से होने वाली इनकम से सारी चीज़ें करता है। तो ये कम्प्लीटली मुसलमानों के लिए ही है, रिलीजियस पर्पस से ही वक्फ बोर्ड बनता है और ये स्टेट वाइज बनता है। इंडिया के अंदर वक्फ बोर्ड जो है करीब 30 से ज़्यादा जो ऑपरेट कर रहे हैं, 30 से ज़्यादा वक्फ बोर्ड। और आपको बता दें दोस्तों कि इसमें क्या है कि वक्फ बोर्ड के पास देश के अंदर इतनी ज़मीन है कि देश में 3 लोगों के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन बताई जाती है, जिसमें पहला आर्मी, दूसरा रेलवे और तीसरा नंबर वक्फ बोर्ड का आता है। अगर इनकी ज़मीन की बात करें तो 8.5 लाख एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन है इनके पास, और उसकी अगर वैल्यू की बात करें तो 1,20,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की वैल्यू इन संपत्तियों की है। आपको ये बता दें कि वक्फ बोर्ड में आखिर बदलाव की ज़रूरत पड़ क्यों रही है। दरअसल दोस्तों बात यह है कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वक्फ बोर्ड उसका मिसयूज़ भी कर देता है। जैसे कि वक्फ बोर्ड में अगर वक्फ बोर्ड अगर किसी भी ज़मीन को कह देता है कि ये ज़मीन मेरी है, तो वो जो ज़मीन है जिसकी किसी और की भी है तो उसे प्रूव करना पड़ेगा कि ये ज़मीन उसकी है। वक्फ बोर्ड को प्रूव नहीं करना है कि ये ज़मीन इनकी है, इनको बस सिर्फ क्लेम कर देना है। एक तो ये सबसे बड़ी बुराई है। दूसरी बुराई इसमें यह है कि वक्फ बोर्ड से अगर मुकदमा भी लड़ना है तो वो आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ सकते, ना ही किसी भारत की अदालत में लड़ सकते हो। आपको अगर मुकदमा लड़ना है तो उसके लिए ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। सोचिए दोस्तों, हम किसी भी चीज़ के लिए कोर्ट में जाते हैं, वहाँ से निपटारा होता है, लेकिन इन वक्फ बोर्ड के केस में हम मतलब कोर्ट मूव ही नहीं कर सकते, उसमें अधिकार ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास तक अधिकार नहीं है। तो ये सारी चीज़ें तो गलत हैं, इसमें बदलाव होना चाहिए। प्लस वक्फ बोर्ड के पास जो भी संपत्तियां हैं वो ज़बरदस्ती कब्जाई हुई भी हैं, इसीलिए ये भी मांग उठ रही है कि इनकी जो भी संपत्तियां हैं उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए। क्या सच में इनको वो चीज़ें दी हैं लोगों ने? जैसे कि कोई मुस्लिम पर्सन है, कोई मान लीजिए उसका अंतिम समय आ गया है, उसने बोल रखा था कि मैं अपनी संपत्ति को वक्फ बोर्ड को दे दूंगा, तो उसका अंतिम समय होने के बाद उसकी संपत्ति वक्फ बोर्ड को चली जाएगी, तो क्या सारी संपत्ति इसी टाइप से उसको मिली हुई है, दान में मिली हुई है या कब्जाई हुई है, ये कैसे पता लगेगा? जब वेरिफिकेशन होगा तभी पता लगेगा। इसके बाद अगर बात करते हैं तमिलनाडु की, तो दोस्तों क्या था कि तमिलनाडु का एक गाँव है वो पूरी तरीके से वक्फ बोर्ड ने अपने कब्जे में ले लिया, उसको क्लेम कर लिया। अच्छा, वहाँ के लोगों को पता ही नहीं कि ये पूरा का पूरा गांव वक्फ बोर्ड को चला गया है, और उसमें जबकि एक पुराना मंदिर भी है। सोचिए, जब रिलीजियस पर्पस के लिए वक्फ बोर्ड सारी प्रॉपर्टी को रखता है इस्लाम से रिलेटेड, तो वहाँ तो एक मंदिर है, मंदिर तो इस्लाम को होता नहीं है मंदिर इस्लाम में, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि वो पूरी इनकी प्रॉपर्टी है? और वो पता कैसे लगा? जब उसमें एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को बेचने गया तो ये हुआ कि अपने प्रॉपर्टी पेपर लाइए, वो पेपर वगैरह लाया तो उसके बोला गया कि NOC लेकर आइए, वो कहता ठीक है हम DM साहब से ले आएंगे, लेकिन उनसे बोला गया नहीं आपको वक्फ बोर्ड से लाना पड़ेगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी उनकी है। तब ये बात क्लियर हुई, पता लगा, सामने आई कि वक्फ बोर्ड ने इस पूरी प्रॉपर्टी को क्लेम कर रखा है, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बना ली है। तो दोस्तों इस तरह की जो चीज़ें हैं ये तो गलत चीज़ें हैं, इसलिए मोदी सरकार को लगा कि नहीं, इसमें अब कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए और जो इसमें क्लॉजेज हैं, जो सेक्शंस हैं, उसमें बदलाव करना चाहिए।
ताकि इनमें कुछ अच्छी चीज़ें हों, कुछ जो भलाई के पर्पज़ से ये वक्फ बोर्ड बनाया गया था वही चीज़ें हों। आपको बता दें कि ये वक्फ बोर्ड है, इनकी अच्छी खासी कमाई होती है। पूरे साल की अगर कमाई देखें वक्फ बोर्ड की, तो करीब 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई होती है। और ये जो वक्फ बोर्ड का संचालन है, ये 200 से 250 परिवार करते हैं इसका संचालन, ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो दोस्तों ये 200-250 लोग ही हैं जो इसके बेनिफिशरीज़ हैं, जो इसके मतलब पूरी तरह से कंट्रोल रखते हैं बताया जाए तो। और आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा जो पैसे वाला वक्फ बोर्ड है वो उत्तर प्रदेश का है, फिर उसके बाद कर्नाटक और दूसरी जगहों के वक्फ बोर्ड हैं। तो दोस्तों ये एक अपने आप में बड़ी चीज़ है, आखिर जिसकी ज़मीन है उसको ही मिलनी चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड को दे दी गई है तो ये फिर वक्फ बोर्ड की होनी चाहिए, लेकिन अगर वक्फ बोर्ड को नहीं मिली है तो वक्फ बोर्ड को कम से कम वो ज़मीन स्वतः ही दे देनी चाहिए। आपको बता दें तो वक्फ बोर्ड के लिए पास काफ़ी केसेस भी हैं, इनके पास करीब 58,000 केस लगे हुए हैं। और ये जो 58,000 केस हैं इसमें 90% केस मुस्लिमों के हैं, इसका मतलब कि इन्होंने गलत तरीके से मुस्लिमों की प्रॉपर्टी को ले रखा है और वो इन केस लड़ रहे हैं ट्रिब्यूनल के पास, और वो अभी पेंडिंग है, अभी उसका कोई रिजल्ट भी नहीं है। तो दोस्तों जब कोई चीज़ रिलीजियस के लिए होती है उसका पर्पज़ एक अच्छा होता है कि हम लोगों की भलाई में खर्च करेंगे सारी चीज़ें, तो वहाँ तो झगड़े वाली चीज़ ही नहीं आनी चाहिए। अगर कोई चीज़ आ भी जाती है झगड़े की तो वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जानी चाहिए, ऐसा कुछ गलत तो होना ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों अब इस पर क्या है कि मोदी सरकार पूरी तरह से एक्शन में है और वो अब एक्ट संशोधन के लिए अब ये पेश कर दिया जाएगा बिल पार्लियामेंट में। अब देखते हैं, कुछ और अपडेट आता है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।